पानी। पानी पिला दो। अंबिका दरवाजा खुल के आज चली गई। निहारिका, हे भगवान, इतनी रात में लड़की कहाँ चली गई? निहारिका, 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 कहाँ हो बेटा? कहाँ हो बेटा? सामने आओ ना। निहारिका बेटा, कहाँ हो तुम? मजाक मत करो, मैं तेरी नानी हूं, परेशान मत कर बेटा।
बेटा तुम कहाँ हो? निहारिका, समझ में नहीं आ रहा है। निहारी का इतनी रात को गुलमोहर पेड़ के पास कैसे पहुंच गई? मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं ना। मैं कहती हूँ ना, इसके ऊपर बाप प्लीज, आप बेकार की बातें मत खींचिए। बच्ची है वो, चली गई होगी। हाँ माँ, अनिमेश ठीक कह रहे हैं, नींद में चली गई होगी निहारिका। हम कल मुंबई में डॉक्टर से बात करेंगे और इसे दवाई दे देंगे, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब ठीक है, ठीक है, अब तुम लोग सो जाओ, कल सुबह सो जाएंगे। चलो जी, ध्यान रखना। चलो, वैसे इसका बुखार तो थोड़ा कम है, बट यू नो अंबिका, जैसे एकदम से निहारिका को हाई फीवर हुआ, आई गॉट स्केयर्ड। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हे शिना जी बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो, उसकी हर बुरी नजरों से उसकी रक्षा करो। मैं आपके मंदिर आऊंगी, मिठाई का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, उसे ठीक कर दो, ठीक कर दो जल्दी से।
बा कहाँ ध्यान है आपका, दूध उफन कर निकल गया है, क्या सोच रहे थे आप? समझ गया, आप भावेश भाई की शादी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं तू छोड़िए बात, तुझे ये बता आज से 8 साल पहले सावित्री की बेटी के साथ क्या हुआ था और उसे कैसे पता चला कि उसके अंदर एक आत्मा का वास है? बा आप क्या पूछ रहे हैं? सवाल पे सवाल मत कर, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे बस। उसकी आवाज बदल गई थी। कहते हैं जब किसी शरीर में कोई प्रेत आत्मा कब्जा कर ले तो उसकी बदली हुई आवाज से पता चलता है। इंसान की उसकी अपनी आवाज नहीं बल्कि उस आत्मा की आवाज होती है जिसने उस पर अधिकार कर लिया है। आत्मा अगर पिशाचिनी की हो तो पांव पलटने के साथ साथ पीठ भी गल जाती है और धीरे धीरे खून की बीमारी शुरू हो जाती है। खून की बीमारी? जी, दिन दिन करके फिर शरीर का खून अपने आप कम होने लगता है। और कहते हैं अगर किसी कुंवारी लड़की में भूत प्रेत का साया हो तो उस लड़की के नाखून काले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसे सावित्री की लड़की की तरह। पर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? भगवान ना करे किसी पर भी बुरी आत्मा का साया पड़े। अच्छा तुम जाकर बाहर देख माली फूल लेकर आया कि नहीं, पूजा का समय हो गया है मेरा। जी बाजी। ये वाली के ये अनिमेश बताइए ना कौन सी अच्छी है, तो मुझे तो ये भी अच्छी लग रही और ये भी अच्छी। अरे भाभी जो ने माने केवी साड़ी कम से ये वाली बहुत सारी छे और ये रंग बा को बहुत पसंद है। बा का ख्याल तो सब लोग रखते हैं लेकिन बाबूजी क्या पहनेंगे इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। मोटा भाई मैंने बद्दी खबर छे, अरे बापूजी के लिए तो मैं मुंबई से शेरवानी लाई हूँ वही पहनेंगे वो। आसू छे दूल्हा दुल्हन के लिए सब कुछ यानी हमारो सू, मतलब तुम लोगों ने बारातियों के लिए कुछ सोचा ही नहीं? हाँ अगर बारातियों में कोई ऐसा हो जो शादी के लायक हो गया हो तो। ओ प्लीज मोटी बहन अभी वापस से शादी के टॉपिक लेके चालू मत हो जाना, मुझे नहीं करनी शादी। नहीं करनी शादी मतलब? अरे ऐसे कैसे नहीं करनी शादी, हम कब से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे हैं। अरे खास करके माँ और बापूजी वो भी तो चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए, इस घर के आंगन में पोता पोती खेलें। लेकिन मेरा सपना कुछ और है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस जंबालिया में नहीं गुजारनी है, मुझे तो मुंबई जाना है। मुंबई 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 तो तू ऐसे करता है जैसे मुंबई नहीं स्विट्जरलैंड जाना हो तुझे। मुंबई जाना है ना, ठीक है तू शादी करी ले घर बसा भी ले, उसके बाद मुंबई में तुझे सेटल करने की जिम्मेदारी हमारी, क्यों अनिमेश? बराबर भाई, सारे खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। बद्धिच पलटन यही मौजूद थे हैं? हाँ बापूजी बस तुम्हारी कमी होती, देखिए ना माँ के लिए साड़ी का रंग पसंद कर रहे, आपको कौन सा अच्छा लगता है? वैसे मुझे लगता है कि ये रंग पसंद करना चाहिए हमें क्योंकि माँ को ये रंग बहुत अच्छा लगता है। ये चमकदार साड़ी बुढ़िया के लिए? अच्छा अपने आप को देखो 10 साल बड़े हो उस उम्र में। मर्द तब तक जवान होता है जब तक उसका दिल हो। बा मैंने शाम के गरबे की तैयारी कर ली है, महाराज आता ही होगा रात का खाना बनाने के लिए। हाँ। अब बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, चलिए मैंने खाना लगा दिया है बद्दा चलो। चलो 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 चेतन भाई ये सारी साड़ी आप रख देना और बिल भिजवा देना। अच्छा बच्चो अब मेरी प्रिंसेस कैसी है? ठीक हूँ। अब बताओ बेटा कल उस पुराने कुएं में क्या हुआ था? कुछ नहीं पापा, वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल थे, उन्होंने मुझसे पानी मांगा और जब मैं उन्हें पानी देने गई तब उन्होंने लिया भी नहीं और उसके बाद तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। लेकिन पापा आज के बाद मैं उस कुएं के पास कभी भी नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेटा इसमें डरने की क्या बात है, डरना नहीं चाहिए, और आप तो पापा के बहादुर बेटे हो ना, है ना? और फिर हम दोनों वहां जाएंगे, आखिर पता तो चले कि वो अंकल हैं कौन। ओके पापा अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा। आगे कुएं के पास, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है।
लगता है कि आपके अंकल हमसे डर गए है ना निहारिका। पापा ये फूल कितने प्यारे हैं ना। हाँ बेटा बहुत प्यारे फूल हैं। बिल्कुल आपके जैसे। पापा हम थोड़े से घर लेके जाएं? हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, लेकिन पहले उस हवेली में चलते हैं फिर आते हुए फूल लेंगे। देखते हैं कि वहाँ पे कौन है। हेलो कोई है? हेलो कोई है? पापा पापा ये वही चेयर है जहाँ पे वो आदमी बैठा था और उसने मुझसे पानी मांगा था। बेटा कोई गरीब होगा अब चला गया होगा। हाँ, और बताइए और आपने यहाँ क्या देखा? कितनी सुंदर हवेली है, लगता है वर्षों से यहाँ पे कोई नहीं आया है। क्यों कितनी हैरानी की बात है कि ऐसी सुंदर हवेली को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। निहारिका निहारिका वहां वहां क्या कर रही है? क्या चलो बेटा होशियार समझता तुमने आपको? बहुत चालाक समझता है? क्यों आए तू यहाँ पे और क्या पूछ रहा था मुझसे? क्या समझता है तू अपने आप को? क्यों आए तू यहाँ पे और क्या पूछ रहा था मुझसे? Oh God, ये कैसा मजाक है निकी? You know, पापा तो डर गए। पापा आप मुझे कहते हो कि डरना नहीं चाहिए और आप खुद ही डर गए। चलो अभी फूल इकट्ठे करते हैं। लो फूल तो खुद ही गिर गए। चलो चलो निकी चलते हैं। चलो बेटा अरे वाह माँ, इतनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है आपने तो।
मुझे तो आता ही नहीं है ये सब। तुझे मरीजों से फुर्सत मिलेगी तब ना बनाएगी, समय लगता है हर शादी में। अच्छा देख बेटा, आज मैंने शाम को पूजा रखी है, कल रात को मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी निहारिका की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं श्रीनाथ जी को डड्डू का भोग चढ़ाऊंगी, तू मेरे साथ आ रही है। अरे श्याम जी आया, फूल वाला फूल दे कर गया पूजा के लिए? नानी नानी फूल तो मैं लेके आई हूँ, वो भी ढेर सारे। गुलबोर के फूल, गुलबोर के फूल, ये कहाँ से लाई तू? वो पुरानी वाली हवेली के पास। वहाँ क्या करने गई थी तू? मैंने कितनी बार तुझे मना किया वहां नहीं जाना, क्यों गई थी वहां पे? भाई से वहां मैं लेके गया। जमाई बाबू आप समझते क्यों नहीं है, मैं जानती हूँ आपको इन सब बातों पर यकीन नहीं है, पर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हो। क्या माँ आप भी, क्या आप भी अभी करती रहती हो? जब आफत आ जाएगी ना तब पता चलेगा। तुम जानना चाहती हो उस कुएं में क्या हुआ था? उस कुएं में मौंजा की मौत हुई थी। मुंजा? ये मुंजा क्या होता है? मौंजा वो कुंवारा ब्राह्मण होता है जिसकी 25 साल की उम्र में ही मौत हो गई हो। इस गांव के मौंजे ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। तब से उस कुएं का पानी सूख गया था और तब से उसकी आत्मा उस कुएं और गुलमोहर पेड़ के पास भटकती रहती है। माँ ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कहानियाँ नहीं हैं, ये बेटा सच है। तुम जानती हो हर साल मैं नाती से मिलने शहर क्यों आती हूँ? मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि निहारिका इस वक्त कुंवारी है, वो अब तक बच्ची है और उस पर इस तरह की अतिरिक्त आत्माएं आकर्षित हो सकती हैं। और तुम लोगों ने उस कुएं की पूजा भी नहीं की जिस कुएं में उस मौंजा की आत्मा बसती है। अब तुम लोग यहाँ आ गए हो ना, तो मेरी बात मानो, अब वहाँ कभी मत जाना। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। बा, हम आगे से वहां नहीं जाएंगे, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कर जमाई बाबू, आप तो इस घर के दामाद हैं, गलती मेरी है, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैं क्या क्या कह गया आपको। जमाई पर गुस्सा थोड़ी किया जाता है। लेकिन बेटे पे तो किया जा सकता है। शाम तैयारी हो गई सब? जी मैडम। ये क्या चार चार फरसान? कई जरूरत थी, दो से काम चल जाएगा यार। काम का खर्चा भरा है तुम लोग, आज तो रहने दो मोटा भाई। मामा मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी लग रही है बेटा तू। बहुत सरस लागे छे ड्रेस, लेकिन हमारी निहारिका बिटिया से ज्यादा नहीं। मामा मैं तैयार हो गई, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही मेरी बच्ची। वैसे मोटा भाई आपका भी जवाब नहीं है, आप एक एक रुपया इतना सोच समझ के खर्चा करते हो, लेकिन जब निहारिका की बारी आती है तो अपना सारा खजाना ही खोल देते हैं। ये तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है। वैसे बहुत सुंदर ड्रेस है ये मोटा भाई, और ये कलर तो निहारिका का फेवरेट है। आज देखना आज इसे कोई नहीं रोक सकता, सबको दिखाती फिरेगी और इतराती फिरेगी। तुम चाहती हो कि मुंजा की आत्मा पूरे गांव को तबाह कर दे? जी मैं तो मुंजा को ये गेरुआ रंग एकदम पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं इस गांव में बड़े से मैं कुछ ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखना। और सुनो एक काम करो, पूजा करने के बाद जल्दी से अपने घर चले जाओ, समझी? जी पंडित जी।
कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। क्या मम्मा? कोई मुझे बुला रहा है। कोई पार नहीं, प्रेम शांति ने प्रीत जगाड़े। बेटा पता नहीं मम्मा बहुत चक्कर आ रहे, सर दर्द हो रहा है। वो म्यूजिक बहुत लाउड है ना, और आपने इतना डांस किया है, आपको आदत भी नहीं है। एक काम करते हैं, आप रूम में जाकर लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ओके। ओहो ऐसे ही सो गई, लगता है बहुत थक गई आज। चलो दूध रहने ही देती हूँ मैं। इतनी फिक्र मत कीजिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। शी इज़ परफेक्टली नॉर्मल। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा कर देते हैं। निहारिका को बाथरूम जाना होगा और नींद में चलते चलते वो नीचे आंगन तक आ गई। सुबह उठेगी तो मैं उसे समझा दूंगी। अंबिका बहन ठीक कह रही है, मेरे मौसी की बेटी निहारिका की उम्र की थी ना, तब उसके साथ भी ऐसा होता था, पर बाद में सब ठीक हो गया। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, आज निहारिका के पास मैं रहूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं यहीं सोऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, तुम लोग जाओ, अनिमेश भाई परेशान होंगे। आवाज कहां से आ रही है? निहारिका?
ये पैसे तुमने किसके सर से वारे हैं? निहारिका बेटा, नींबू नहीं थे क्या? बिस्तर के नीचे से गायब हो गए, पता नहीं कैसे। ये कैसे हो सकता है? अब कुछ नहीं बचेगा। Thank you.